आप सभी का वत्स गार्डनिंग एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज अपना गार्डन दिखाना चाह रहा हूँ, जिस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैंने काफ़ी फल और सब्जियाँ उसमें लगा रखी हैं। सबसे पहले आप ये जो दो पेड़ देख रहे हैं, ये गुड़हल के हैं, जिनको मैंने कलम से लगाया हुआ है। गुड़हल के पौधों के बीच में मेरा एक सेम का पौधा है, जो कि छोटा सा मैंने लगाया था। आज इस पर ढेर ऑफ फूल और सेम की फलियाँ लगी हुई हैं। ये पौधे आप लोग देख रहे हैं, ये मक्का के हैं, जिन्हें मैंने काफ़ी दिन पहले लगाया था और जिनमें बहुत ज़्यादा भुट्टा भी लग रहे हैं। इन पौधों पर बहुत सारे भुट्टे लगे हैं और काफ़ी हम निकाल भी चुके हैं। इनका जो स्वाद है वो काफ़ी मीठा है और बढ़िया है। इसमें डालने के लिए मैंने ये ऑर्गेनिक खाद बनाया हुआ है, जिसको कट्टों के अंदर भरा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, ये तोरे की और कद्दू की बेलें हैं। मेरे पास कद्दू के दो वेराइटीज़ हैं, एक गोल कद्दू और लंबा कद्दू है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्वार की फली के पौधे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ग्वार की फली लगी हुई हैं। मेरे पास दो तरह की वेराइटीज़ हैं, एक देसी वेराइटी है मेरे पास और एक हाइब्रिड है, और ढेरों फलियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारे निकाल भी ली है मैंने। पौधे आपको अब दिखाई दे रहे हैं, ये एप्पल बेर के पौधे हैं। ये दो पौधे मैंने लगाए हुए हैं, एक साल पहले इनको मैंने लगाया था। इन पे बहुत ज़्यादा बगर आ रहे हैं, जिनको हम फ्लावर बोलते हैं, और वो फ्रूट रूट में कन्वर्ट्स हो रहे हैं। पौधों के ऊपर मैंने एक मचान लगाया हुआ है, जिस पे तोरई की बेलें चली हुई हैं और जिनके अंदर ढेरों तोरइयाँ हम निकाल चुके हैं, और अब भी काफ़ी मात्रा में तोरई अब इन पे लगी हुई हैं। मचान पे जो तोरी लगी हुई हैं, इनका साइज भी काफ़ी लंबा है और स्वादिष्ट है। पौधा आप देख रहे हैं, ये अमरूद का पौधा है, जो मैंने अभी 5 महीने पहले लगाया है। उसके साथ में ये नींबू का पौधा है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में नींबू लगे हुए हैं। के पेड़ के साथ में मैंने 3 करौंदे के पौधे लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जिनमें कई बार करौंदे भी आ चुके हैं, और उन्हीं पौधों में सेम के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिनमें काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। आप ये बेल देख रहे हैं, ये कासी फल की बेल हैं, जिनमें कासी फल भी लगे हुए हैं, और साथ में 2 बेल आपकी कद्दू की हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। अब हम गार्डन में आगे की तरफ चलेंगे तो हमें करेले की बेल भी दिखाई देंगी और मचान पे चढ़ी हुई तोरई की ये बेलें दिखाई देंगी, जिसकी जो मेरा सबसे पुरानी बेल है और इसमें अनगिनत तोरियाँ लगी थी और जो मैं निकाल चुका हूँ। पौधे आप देख रहे हैं, ये भिंडी के पौधे हैं, जिनको मैंने 2 महीने पहले लगाया था और जिनके अंदर बहुत सारी भिंडियाँ लगी थी, जो कि काफ़ी लंबी और खाने में स्वादिष्ट हैं। भिंडियों के पौधों से हम जब आगे चलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक नींबू का पौधा लगा हुआ है और 4 मेरे पास के पौधे लगे हुए हैं, जो मेरे पास अनार के यहाँ पर जो 4 पौधे लगे हुए हैं, जिनके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है उनके अंदर, और बहुत ज़्यादा अनार लगे हुए हैं। पिछले साल भी इन पौधों से मैंने कम से कम 1 किलो अनार ले लिए थे। पौधों पे जो अनार के फल लगता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जिसके अंदर जो अनार के दाने होते हैं वो काफ़ी बड़े और रसीले साइज़ में होते हैं। पौधा आप देख रहे हो, ये मेरे पास 1 करौंदे का है, जो कि मैंने घर से ले जाकर इसको मैंने अपने गार्डन में लगा दिया है। गार्डन में और आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने कुछ अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। अमरूद के पौधों के साथ साथ ये मेरे आंवले का पौधा है, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और साथ में ही मेरे पास 2-3 चीकू के पौधे लगे हुए हैं। चीकू के पौधे अभी छोटे हैं, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी ये बड़े हो जाएंगे। गार्डन के एक कोने पे मैंने ये बैंगन लगाए हुए हैं, बैंगन की जिसकी पौध मैंने खुद अपने ही गार्डन के अंदर तैयार की थी। इसके अंदर मेरे पास 4 तरह के बैंगन लगते हैं, इनमें जो जिसके अंदर लाल कलर है, बैगनी कलर है, सफ़ेद कलर है, और मेरे पास हरे कलर के बैंगन हैं, और इसके अंदर गोल बैंगन भी मिल जाएंगे आपको, लंबे बैंगन भी मिल जाएंगे, और इसके अंदर आपको चूचू बैंगन भी मिल जाएगा, जो कि छोटे आकार का बैंगन होता है। आप गार्डन में थोड़ा सा आगे और चलोगे तो आपको एक तरफ तोरई और कद्दू की बेलें फिर आपको दिखाई देंगी। उनकी बेलों के साथ में आप जो देख रहे हो, उनके अंदर काफ़ी तोरई भी लगी हुई हैं।
मैंने छोटी सी क्यारी के अंदर यहाँ पर मैंने पालक, धनिया और मेथी भी बोई हुई है। ये पौधा आप लोग देख रहे हो, ये मिर्ची का पौधा है जिसके अंदर बहुत छोटी वाली तीखी वाली मिर्ची लगती है और बहुत सारी मिर्ची इस पर अभी लगी हुई हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में मैं इन मिर्चियों को इसमें से निकाल भी चुका हूँ। मिर्ची खाने में काफ़ी तीखी है। दे अच्छी तरह से ग्रोथ करें इनको ध्यान में रखते हुए मैंने गोबर की खाद, केंचुआ खाद और दूसरी तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजरों का मैं यूज करता हूँ। पौधों के लिए यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर भी तैयार करता हूँ जिसके अंदर जो कि दवाई के लिए यूज करता हूँ मैं, जिससे कि कीड़े वगैरह पौधों में ना लगें। दोस्तों, आपको अगर मेरा गार्डन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।